प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के प्रथम अध्याय सुभाषितानी मधुर सुंदर वचनों का अध्ययन करेंगे। पहला जो हमारा श्लोक है वह है गुण गुणागुण जेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयः। गुण जो है वो गुणियों में रहकर ही गुण रहते हैं। गुण दो जगह नाम आया है, दोनों जगह गुण का अर्थ है क्वालिटी। गुण जेशु गुण को जानने वाला अर्थात गुणी व्यक्ति, गुण जो है वो गुणी व्यक्तियों में रहकर ही गुण रहते हैं। ते वे कौन ये गुण, ते निर्गुणम प्राप्य गुणहीन को पा करके भवंती दोषाः वह दोष बन जाते हैं। जैसे यह लेखनी अगर किसी विद्यार्थी के पास है तो वह इसका सदुपयोग करेगा और किसी दुष्ट के पास है तो शायद यह प्रहार का काम करे। तो इसी प्रकार से कलम वही है लेकिन भिन्न भिन्न व्यक्ति के संसर्ग से इसका कार्य भी भिन्न हो जाता है। गुण जो है वो गुणियों में रहकर ही गुण जेशु गुणियों में रहकर ही गुण रहते हैं, भवंती रहते हैं। ते वे कौन ये गुण निर्गुण को प्राप्य पाकर के भवंती दोषा दोष बन जाते हैं। सुस्वादु तोया प्रभवंती नद्यः, नद्यः नदियों में सुस्वादु अच्छा मीठा तोया जल प्रभवंती बहता है, और वही नदियों का जो मीठा तोया जल है वह समुद्रम आसाद्य समुद्र को पाकर के भवंती हो जाता है अपेयः ना पीने वाला। कितनी अच्छी बात कही गई है कि गुण गुणियों में रहकर गुण रहते हैं, वे निर्गुण को पाकर के दोष बन जाते हैं, और नद्यः नदियों का जो सुस्वादु अच्छा और मीठा जल है तो यह जल है वह बहता है। नदियों में तो मीठा जल बहता है परंतु वही नदियों वाला मीठा जल समुद्रम आसाद्य समुद्र को पा करके भवंती अपेयः अपेयः ना पीने वाला भवंती बन जाता है। आपको सबसे पहले इसका संकेत लिखना है गुणा और भवंती अपेयः। फिर जो है आपको प्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग के सुभाषितानिक नामक पाठ से लिया गया है, और सरलार्थ में आप लिखेंगे कि गुण गुणियों में रहकर गुण बने रहते हैं, वे निर्गुण को पाकर के दोष बन जाते हैं, नदियां स्वादिष्ट जल उत्पन्न करती है वे भी समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं होती। भावार्थ में लिख देंगे कि गुणी व्यक्तियों के महत्व को यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है या समझाया गया है। अग्रिम श्लोक में साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन्नपि जीवमान तद भाग धेयम परम पशुना। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर न साहित्य की रुचि है, साहित्य किसे कहते हैं, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, सहित जो हित वाला है, ऐसा कोई वो अध्ययन नहीं करता जो उसके हित के लिए हो, और संगीत न उस व्यक्ति की किसी संगीत में रुचि है, और कला समस्त कलाओं से हीन दूर है, किसी प्रकार की कला नहीं है, कोई उसमें आर्ट नहीं है, ना चित्रकारी है ना कोई और कुटीर उद्योगों का जैसे काम होता है कताई बुनाई कढ़ाई, किसी भी प्रकार की कला नहीं है उसमें। तो ये तीन प्रकार के व्यक्ति बताए गए हैं कि जिस व्यक्ति में साहित्य में रुचि नहीं है, संगीत में रुचि नहीं है, और समस्त कलाओं से जो हीन है, ऐसा व्यक्ति क्या है, साक्षात पशु, साक्षात पशु के समान है, क्योंकि उसका जीवन नीरस है। पुच्छ विषाण हीन है, वह साक्षात पशु तो है लेकिन कैसा, पुच्छ पूंछ और विषाण कहते हैं सींगों को, सींगों से हीन। तो दोबारा देखिए कि साहित्य संगीत और कला से जो हीन है वह साक्षात पशु तो है लेकिन कैसा, पूंछ और सींग के बिना। तृणम न खादन्नपि जीवमानः, तृणम तिनके न नहीं खादन्नपि खाता हुआ जीवमानः जीवित रहता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी संगीत साहित्य और कला में रुचि नहीं है वह साक्षात पशु है, बिना सींग और पूंछ का। फिर कहे तृणम न खादन्नपि, ऐसा व्यक्ति तिनके न खाता हुआ जीता है, तद भाग धेयम, यह तो बड़े भाग्य की बात है परम अत्यधिक पशुनाम पशुओं के लिए।
वह तिनके न खाता हुआ जीवित रहता है। तत यह तो भागधेयम बड़े भाग्य की बात है परम अत्यधिक पशुओं के लिए। यदि वह मान लो तिनके भी खाने लग जाता तो पशु तो बेचारे भूखे मर जाते। अब वो तिनका नहीं खाता है, घास नहीं खाता है, यह तो बड़े सौभाग्य की बात किसके लिए? पशुओं के लिए। पशु है वो व्यक्ति बिना पूंछ और सींग का, कौन? जिसमें साहित्य, संगीत और कला नहीं है, किसी भी आर्ट का उसमें समावेश नहीं है, न संगीत में रुचि है, न कोई साहित्य हमारे संस्कृति के किसी भी ग्रंथों को नहीं पढ़ता है। तो इस प्रकार से वह व्यक्ति अपनी जाति, प्रजाति और संस्कृति देश के लिए एक धब्बे के रूप में है। वह अपने देश और प्रजाति का गौरव नहीं बढ़ा सकता, इसीलिए ये साहित्य का वर्णन यहाँ किया गया। इसमें भी आपको संकेत लिखना है, प्रसंग पूर्ववत लिख देंगे और सरलार्थ में कि साहित्य, संगीत और कला से रहित व्यक्ति सींग और पूंछ के बिना साक्षात पशु है। वह घास न खाते हुए भी जीवित है, यह तो पशुओं के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। भावार्थ में लिखेंगे, जो व्यक्ति साहित्य, संगीत इत्यादि कलाओं में रुचि नहीं रखता, वह पशु के समान ही जीवन यापन करता है। आगे जो श्लोक है वह देखिए कि लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम, अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलम व्यसनिनः, कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य लोभी का, नश्यति नष्ट हो जाता है, यशः यश, लोभी का यश नष्ट हो जाता है, और पिशुनस्य चुगलखोर की मैत्री, मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, नष्ट हो गई है क्रियाएं जिसकी, यानी कोई कार्य नहीं करता उसका कुल नष्ट हो जाता है। और अर्थ परस्य, अर्थ होता धन, अर्थ परस्य धन के चाहने वाले का धर्म, धर्म नष्ट हो जाता है, क्योंकि धन का चाहने वाला व्यक्ति कोई न कोई अनुचित कार्य करता है जिससे उसके धर्म को हानि होती है। विद्या फलम व्यसनिनः, और व्यसनिनः बुरी लत वाले व्यक्ति का विद्या फलम, विद्या का फल नष्ट हो जाता है। और कृपणस्य सौख्यम, और कृपण यानी कंजूस का सौख्यम सुख नष्ट हो जाता है, अर्थात जो व्यक्ति कंजूस है वह एक भी रुपया किसी वस्तु के लिए नहीं खर्च करता जिससे उसे सुख नहीं मिल पाता। और राज्यम प्रमत सचिवस्य, प्रमत यानी उन्मुक्त स्वच्छंद प्रवृत्ति वाले, स्वच्छंद प्रवृत्ति वाले सचिवस्य मंत्रियों वाला, नराधिपस्य राज्यम, नराधिपस्य ऐसे राजा का, नराधिपस्य क्या किसके कहेंगे, राजा का राज्यम राज्य नष्ट हो जाता है। नराधिपस्य ऐसे राजा का राज्यम राज्य नष्ट हो जाता है, क्यों? उसके सचिवस्य जो मंत्री हैं वो प्रमत हैं, वो व्यसनी प्रकार के हैं, वो किसी की ना सुनने वाले हैं, वह स्वच्छंद प्रकार के हैं, राजा का उन पर कोई कंट्रोल नहीं है, राजा जो है उनको शय दे रहा है, वह अनाचार कर रहे हैं प्रजा पर, और ऐसा फिर राज्य नष्ट हो जाता है। दोबारा से फिर एक बार देखिए, लुब्धस्य लोभी का, नश्यति यशः, यश नष्ट हो जाता है, पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, नष्ट क्रियस्य कुलम, जिसकी क्रियस्य क्रियाएं नष्ट हो गई हैं उसका कुल नष्ट हो जाता है, और अर्थपरस्य धर्म है, और अर्थपरस्य धर्म, धन को चाहने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है, और विद्या फलम व्यसनिनः, व्यसनिनः बुरी लत वाले का विद्या का फल नष्ट हो जाता है, और कृपणस्य सौख्यम, कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है, राज्यम प्रमत सचिवस्य नराधिपस्य, प्रमत सचिव जिसके हैं, उन्मुक्त सचिव मंत्री जिसके हैं, नराधिपस्य ऐसे राजा का राज्यम राज्य नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों आपको संकेत, और फिर प्रसंग में पूर्ववत, और फिर इसका सरलार्थ कि लोभी की कीर्ति, चुगलखोर की मित्रता, निकम्मे का कुल, स्वार्थी का धर्म, बुरी लत वालों की विद्या का फल, और कंजूस का सुख, और प्रमत मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। और भावार्थ में भी आप यही लिख देंगे कि लोभी, चुगली, आलस्य करने वाला, स्वार्थी, कंजूस व्यक्ति कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। तो यह तीन जो आपके श्लोक हैं ये पूर्ण हुए। आगे फिर आपके तीन जो बचे हुए श्लोक हैं उनका सरलार्थ करेंगे। आप सब्सक्राइब करके इस चैनल को, और जो ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिलती है, जैसे ही आप गुरुजी आरपी शोरण चैनल में जाते हैं तो प्लेलिस्ट में आप 8th क्लास देखें, और वहाँ पर आपको सीक्वेंस में ये सारे लेसन जो मैंने करवाए हैं वो यथावत मिल जाएंगे। धन्यवाद।